रहा था कि राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो तो बता रहे हैं मैं 6 दिन 7 दिन के लिए वॉशिंगटन जा रहे हैं। और अमरीकी सदर बाइडेन आज भारतीय वजीर आजम मोदी से वर्चुअल मीटिंग करेंगे। तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट एक ग्लोबल डेवलपमेंट है और वो ये है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर एक 2+2 डायलॉग हो रहा है और एक वर्चुअल मीटिंग भी हुई है समिट। राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो तो बता रहे हैं मैं 6 दिन 7 दिन के लिए वॉशिंगटन जा रहे हैं और 2+2 डायलॉग हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अब फिर आ गया 2+2। देखिए, अगर वाकई कोई स्थिति खराब होती तो पहली चीज से 2+2 डिले होता, डिले हुआ नहीं, अपनी जगह पे जा रहा है। और मजे की बात तो यह है, अभी हमारे यहाँ जो खबर चली है अभी कि कल रात को हमारे टाइम रात को वहां 2+2 होगा, और कल दोपहर को जो वहां यूएस का संडे नाइट और हमारा मंडे मॉर्निंग है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन विल टॉक टू मोदी जी। जो बाइडेन साहब मोदी जी को बात करें, अब यही नियाजी साहब को आज बड़ा दुख लगेगा, कहेगा यार दिल के अरमां आंसू में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हमें तो तुमने फोन नहीं किया, ये आपकी क्या कहते हैं उर्दू में इसकी, ये आपकी दिल लगी हमें पसंद नहीं आई। चलिए कोई बात नहीं, तो मोदी जी से फोन कर रहे हैं अभी। खैर क्या चीमा साहब, फोन क्यों हो रहा? फोन इसलिए हो रहा कि दोनों कंट्री समझ गए कि रशिया यूक्रेन के लफड़े को लेकर हमारे रिलेशन न बन सकता न बिगड़ सकता। इंडिया डिड नॉट चेंज इट्स पोजिशन। 2+2 हो रहा, मोदी जी से बात हो रही है, तो इसका मतलब है। और आज एक स्टेटमेंट आया भाई, फॉर फ्री एशिया पैसिफिक, फॉर इकोनॉमिक, फॉर ट्रेड, फॉर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कोविड-19 और जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, इसके संदर्भ में फॉर दिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट 2+2 विल हैपन एंड प्रेसिडेंट बाइडेन इज गोइंग टू टॉक टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो वो जो यूक्रेन वाला मसला था तो साइड हो गया। अब दिलीप सिंह साहब अपने निकल गए। अब देखिए, अगर हमारे यहाँ चीमा साहब एक बड़ी अच्छी वो होती है कि अगर उन्हें यहाँ की नौीयत समझ आती, अगर उन्हें यहाँ की जहनीत समझ आती तो उनको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पर ठीक है, अब देखिए, अब जो इस कारपेंटर ने पुतला बनाया, अब बाऊ जी तो बोलेगा तू ही हुआ यार, तेरा पुतला कुछ नहीं करा, तू हुआ तो तू जाके बात करा डायरेक्ट। अब वो भी वापस निकल गए। अब मुझे बताइए वो स्टेटमेंट देने का मतलब क्या था? दैट वॉज डिप्लोमेटिकली, इफ यू आस्क मी ऑन अ सीरियस नोट, दैट वॉज डिप्लोमेटिकली ओवर रन। ही इज नो बडी टू टॉक अबाउट चाइना एंड रशिया, यू हैव टू टॉक अबाउट यूर सेल्फ। इफ यू आर अ सीजन डिप्लोमेट, यू टॉक अबाउट You and me. I mean, you have no business about China, Russia, because you have no sphere of influence here, there. आपका ना कंट्रोल है ना इन्फ्लुएंस है ना लेना ना देना। अब वो आए थे यहाँ थोड़ा हमें, अब उनको लगा यार वो जो पुतला उतला बना तो उससे काम होने का, थोड़ा आके डरा दूं धमका दूं। बोला कि भाई देखो, अगर LAC पे चाइना हमाकत करता रशिया आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। उसी दिन हमने शायद बात भी की थी इसमें चीमा साहब, और 2 घंटे में उनके उनके ये जो स्टेटमेंट आया था सो कॉल्ड, उनके 2 घंटे में निर्मला सीतारमन जी ने क्लियर बोल दिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो डिप्टी एनएस है, तो सीतारमन जी तो कैबिनेट मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने क्लियर बोल दिया वी विल बाय रशियन ऑयल, कोट अनकोट, डायरेक्ट एक्सप्लिसिट। 2 घंटे में उसको जवाब मिल गया। अब वो अपना जहाज पकड़ के निकल लिए वहां पे। अब फिर ये जो डराने धमकाने का, जो हवा बनाने का, जो हवा कहते हैं ना हमारे यहाँ, हवा बन रहे हैं, हवा बना। व्यूअर्स, आज दोस्तों आज बड़ी इंपॉर्टेंट एक ग्लोबल डेवलपमेंट है और वो ये है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर एक 2+2 डायलॉग हो रहा है और एक वर्चुअल मीटिंग भी हुई है, समिट भी हुई है, जिसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन साहब जो हैं उनकी बात भी हुई है। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इंडिया यूएस रिलेशन जो हैं वो अगले 10-15 साल में क्या शिफ्ट ले रहे हैं? माजी में तो चलो एक जो अच्छा रिलेशन था या क्या था वो उसको नहीं, आई वॉन्ट कि सर हमारे व्यूअर्स को बताया जाए कि फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, खासकर क्वाड के हवाले से, इंडो पैसिफिक में जो एक वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उस हवाले से, और खास करके ये जो एक ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप में दरार आई है बहुत सारे, तो इसमें ये आप कैसे देखते हैं इंडिया और यूएस के रिलेशन? सर सर पहले तो कमर सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना होगा कि जो मुल्कों के रिश्ते हैं वो वहां के लोग ज्यादा तय करेंगे आने वाले टाइम में। पहले केवल सरकारें तय करती थी कि मुल्कों में रिश्ते कैसे रहेंगे। जो आम आवाम का उस पर असर है वो लगातार बढ़ा है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो असर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और यदि ऐसा होता है तो जो भी डेमोक्रेटिक देश है उनमें मुझे लगता है कि जो आने वाले टाइम में क्या रिश्ते होंगे, कैसे रिश्ते होंगे, उनको थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो आवाम
कि आवाज सुन के सरकारें काम करेंगी, अपनी मनमानी नहीं करेंगी। और दूसरी बात कि ये अमेरिका और भारत की बात करें तो दोनों डेमोक्रेसीज हैं, इसलिए उनकी जो आपसी सोच है वो आपस में तालमेल तो अच्छा होगा ही, पर उनकी सोच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरे दुनिया में किस तरह के माहौल को वो बनाना चाहते हैं उसमें भी मुझे लगता है कि तालमेल और अच्छा होगा। और आप देख ही रहे हैं कि उनके आपस में आगे से आगे, चाहे वो व्यापार के रिश्ते हों, चाहे इन्वेस्टमेंट के हों, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हों, सिक्योरिटी के हों, ये सारे जो अलग अलग खित्ते हैं, और ख़ासकर इस बार की जो 2+2 मीटिंग हुई है कल, उसमें साइबर सिक्योरिटी और स्पेस अवेयरनेस पर फोकस किया गया कि ना केवल मुल्कों की आपस में तालमेल कैसी रहे उस पर ध्यान है, पर पूरी जो दुनिया हमारा जो एक तरह से ब्रह्मांड है, जो मतलब एक तरह से पूरी हमारी कॉस्मोलॉजी है, स्पेस है, उससे भी जोड़कर अपने रिश्तों को देखने की कोशिश है, और किस तरह से दोनों मुल्क मिलकर कुछ अपनी दुनिया के जो चैलेंजेस हैं उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं, सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और अमेरिका के अगले 10 साल में क्या रिश्ते होंगे, आपने जब पूछा, तो मुझे लगता है कि उनको प्रिडिक्ट करना थोड़ा आसान है एवज या मुकाबले दूसरे कुछ देशों के, जैसे जहां जमहूरियत उतनी थोड़ी कमजोर है। तो मुझे लगता है कि रिश्ते आपस में, क्योंकि आवाम की आवाज सुनने वाले हैं, इसलिए मुझे लगता है रिश्ते आगे से आगे बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत को खींच रही है अपनी तरफ कि हमारी जो ग्लोबल डिमांड्स हैं वो फुलफिल की जाए। इंडिया कहता है कि हमारा जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं उसमें आप देखें। आप इसको कैसे देखते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आजकल रशिया के मामले आते हैं, या जैसे ऑयल के हवाले से बातें हुई कि जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को सवाल किया गया कि आप यूरोप से ऑयल ले, आप रशिया से ऑयल ले रहे हैं, जयशंकर साहब ने कहा कि जितना जितना यूरोप एक शाम में ऑयल लेता है इतना तो हम एक पूरे महीने में ऑयल लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं इसमें आप कैसे देखते हैं, ये जो खेंचा तनी है, ये तनाव है, ये आप समझते हैं ये सेटल होगा, या कि आप समझते हैं ये सेटल नहीं होगा? क्योंकि रिसेंटली एक जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, जापानीज फॉर्मर प्रेसिडेंट सुगा है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था कि जो क्वाड पार्टनर्स हैं उनको इंडिया को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, साथ लेके चलना चाहिए, इस तरह की स्टेटमेंट आई थी। तो आप कैसे देखते हैं इस टेंशन को? कमर, ये खींचा तानी जो आप कह रहे हो ये जाने वाली नहीं है, ये बनी रहेगी, मुल्कों के रिश्ते ऐसे ही चलेंगे। हाँ, बात इतनी नहीं बढ़नी चाहिए कि काबू में ना रहे। तो आपने जैसे खुद कहा कि कुछ मुल्क जो है वो भारत को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो सोच है, उनकी जो पॉलिसी है उसको सपोर्ट करे भारत। तो एक तरह से इससे ये भी लगता है कि यदि रूस भी चाहता है कि भारत जुड़ जाए उसके साथ।